अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बना रहे हैं चिली फ्राइज़। और चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 पोटैटो ले लेने हैं मीडियम साइज़, एंड इसको अच्छे से पील कर लेना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें, ये देखिए हमने मीडियम साइज़ ये पोटैटो लिया था, इसको हमने साइड से कट कर लिया। एंड अब हम इसकी फ्राइज़ के लिए हम इसकी अच्छे से कटिंग करेंगे, ताकि हमारे फ्राइज़ की शेप बहुत अच्छे से आए। और ये होममेड पोटैटो हैं, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये होममेड पोटैटो हैं, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वाटर बॉयल कर लेना है। उसमें हमने फ्राइज़ के लिए हमने पोटैटो को कट किया था, वो हम ऐड करेंगे। एंड इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और हमने इसको कुक कर लेना है 70% तक। और आपने इसको चेक करते रहना है, और फिर हम स्टेनर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और फिर ये देखें, हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें मैदा ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट, एंड ब्लैक पेपर, एंड मिक्स वेल। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद पैन रेडी है, हम इसको हमने फ्राई करना है ऑयल में, और गोल्डन ब्राउन हमने इसका कलर करना है, गोल्डन ब्राउन हमने इसका कलर करना है। ये देखें, और ये देखें, फिर हमने ये देखें, इसके बाद हम इसमें इसको भी हम स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि ऑयल बीच में ना रहे। और टिशू आपने ज़रूर रखना है प्लेट में, ताकि जो आपका ऑयल रह भी जाएगा वो टिशू पर लग जाएगा। और इसके बाद हमने ऑयल ले लेना है पैन में। उसके बाद हमने इसमें गार्लिक एंड जिंजर चॉप 1 टेबलस्पून ऐड करना है, ठीक है। एंड इसमें ग्रीन चिली, ये देखें, ये अब हम कुक कर लेंगे 1-2 मिनट्स के लिए। एंड इसके बाद हमने ऑनियन स्लाइस 1-2 कप, एंड ये देखें, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, चाइनीज़ गाजर ऐड करेंगे, और हमने इसको कुक कर लिया 2-3 मिनट्स के लिए ओनली। इसके बाद हम इसको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ताकि ये हमारी वेजिटेबल ज़्यादा गले ना। और विनीगर ऐड करना है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, एंड रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, एंड चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, एंड टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, एंड टमाटो पेस्ट 1 टेबल स्पून, एंड सॉल्ट 2 टेस्ट, एंड ब्लैक पेपर, ये देखें, और रेड चिली फ्लेक्स, ठीक हो गया। एंड वाइट सीम्स मीन्स के आपने इसमें सफ़ेद तिल ऐड करने हैं। और इसके बाद हम इसमें लास्ट में हम इसमें लेमन जूस ऐड किया, हाफ लेमन मैंने ले लिया, ये हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ये देखें, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बीच में ऐड हो जाएं। उसके बाद हमने फ्राइज ऐड करने हैं, जो हमने फ्राई किए थे, एंड हमने इसको मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, अब हम इसमें वाइट सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, तो रेसिपी कम्प्लीट हो गई है। तो आज मैंने अपने घर में ये देखें, मैंने ये जिंजर बनाया था। ओके, अल्लाह हाफिज़।